हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पे। और आज की चुड़िया और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं अपना किचन क्लीनिंग रूटीन। तो आज मैं पूरी किचन की क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ, क्योंकि परसों से श्राद्ध लगने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखो, एक बार तो दिवाली पे क्लीनिंग होनी ही होनी है। तो अगर मैं दिवाली तक अभी के लिए छोड़ दूंगी तो फिर वो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मुझे लग रहा है चलो आज मैं कुछ क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि वो बर्तन वाला तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, स्टैंड वो तो मैंने अभी किया था पूरा, मांझ के पूरा अच्छे से क्लीन किया था कुछ ही दिन पहले। तो बस यहीं का मुझे ये स्लैब का ऊपर वाला ही क्लीन करना है। नीचे से तो ये है कि होता ही रहता है डेली, जिस स्लैब पे हम खाना वाला बनाते हैं वो वाली तो डेली क्लीन होती ही रहती है। तो मेन तो ऊपर का ही है, और ये डब्बे वगैरह हैं इनमें चेक कर लेना है क्या सामान है और क्या नहीं है जो ख़त्म हो चुका है और जो ज़रूरी है। आपको पता है श्राद्ध में ज़्यादा कुछ नया मंगाया नहीं जाता, ये राशन के सामान का तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं मंगाई जाती। मैं पूछूंगी और ख़त्म होगा तो मैं कल ही सब कुछ मंगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले अपनी स्लैब के डिब्बे उतार लिए हैं। ये छोटी छोटी जो डिब्बियाँ हैं, ये आपको पता ही है इनमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इनको भी मैंने धो के अपने किचन के छोटे छोटे जो मसाले होते हैं वो मैं रख लेती हूँ फिर इनमें। और इसके बाद मैं ये बड़े वाले डिब्बे उतार लेती हूँ जिसके अंदर दाल चावल ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ये जूना ले आई हूँ और फिर इससे मार दूँगी। इस पर लिक्विड वाला वो जेल लगा लाई थी और पूरे इस पर स्लैब पर ये मैट बिछा हुआ है जो इसके ऊपर मैं मार दूँगी, क्योंकि इस पर चिकट सी जम जाती है, मतलब चिपचिपाट सी हो जाती है तेल की। और इसके बाद मैं ये गीला कपड़ा ले आई थी जो मेरी स्लैब का पोछा है वो, और फिर मैं ये वाला पोछा मार दूंगी। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे सूखा कपड़ा ले आई थी एक साफ, और फिर ये सूखा कपड़ा मैंने फेर दिया था ताकि ये हाथ के हाथ मतलब सूख जाए, गीला गीला ना रहे इस पर। और इसके बाद जो दूसरी साइड जो मेरा स्लैब पे थोड़े बर्तन जो रखे होते हैं बड़े बड़े से, जो दो चार बर्तन हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ जो मुझे चाहिए होते हैं। बाकी तो मैं बड़े तो उठा के रख देती हूँ नीचे या फिर स्टैंड के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, लेकिन यहाँ पर ये मुझे कभी कभी चाहिए होते हैं। और फिर ये मिक्सी में उतार दूंगी। मिक्सी को भी मैंने डिब्बे में ही रखा हुआ है ये, मुझे लगता है चलो जब तक डिब्बा है तब तक तो मैं इसमें रख ही लूँ। और फिर यहाँ से भी सेम उसी तरह से मैं सफाई कर लूँगी, पहले जूना मार दिया है और फिर वही स्लैब वाला पोछा जो है मेरा वो मैं यहाँ पे फेर दूंगी। मतलब मैं एकदम से सारा सामान नीचे नहीं उतारती हूँ, मुझे लगता है कि चलो धीरे धीरे कर लूँगी। और फिर एकदम से फैलाने में ज़्यादा फैला हुआ मतलब वो दिखता है। और यहाँ पे ये जो छोटे वाले जितने भी डिब्बे हैं ये अभी मैंने जब लास्ट मंथ जो किचन का जो सामान आया था उस टाइम ये सारे दालें बने बाहर सुखाई थी और फिर इनमें धो मांझ के तब मैंने दालें डाली थी, लेकिन ये इसलिए मैं इनको मतलब सिर्फ कपड़े से ही पूछ रही हूँ। और यहाँ पे ये मैं कॉपी और पेंसिल जो ले आई हूँ इसमें मैं लिख रही हूँ साथ साथ कि कौन सा सामान है और जो नहीं है, मतलब वो लिख रही हूँ ताकि मुझे इसीलिए बस मेरा सफाई करने का भी मन हो गया था कि साथ साथ मैं लिखती भी जाऊंगी और सफाई की सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये छोटे वाले डिब्बों में सारी दालें वाले मैं रखती हूँ और वही बस मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सी है और कौन सी नहीं। और दालें मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हर महीने कम से कम ये समझो आप 3-4 किलो तो दाल हम खा ही जाते हैं, 3-3.5 किलो दाल आराम से, क्योंकि दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर से ज़रूर बनती ही है एक टाइम दाल। और यहाँ पे ये छोटे वाले सारे डिब्बे क्लीन कर लेने के बाद फिर मैं बड़े वाले डिब्बों में देख लूँगी कि उनमें क्या है और क्या नहीं। बड़े वाले ऑलमोस्ट मेरे खाली ही पड़े थे तो यहाँ पे ये बड़े वाले डिब्बों का सारा सामान निकाल लूँगी। और सामान को फिर मैंने रख दिया था ऊपर, पहले मैं चेक कर रही थी कि किसके अंदर है क्या। और तो एक पॉलीथीन में मुझे राजमा मिल गए थे और मुझे लग रहा था कि राजमा ख़त्म हो चुके हैं। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम रख के और मतलब दिमाग से निकल जाता है। फिर ये छोटा डिब्बा एक खाली भी रह गया था वैसे, तो फिर मैंने इसमें ये निकाल दिए और डिब्बे को भी लगा दिया ऊपर। और अब मैं बड़े वालों को देख रही हूँ, बड़े वाले मेरे ऑलमोस्ट खाली ही थे, जो नहीं थे उनको मैंने कर लिया था। जो स्टोरेज वाला जो बॉक्स होता है उसमें मैं सारा सामान डाल के अभी रख दूँगी और फिर जब मेरा इस महीने वाला सामान आएगा तब मैं चेक कर करके डालूंगी। और ये मेरी छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, इनका सामान मैं चेक कर रही थी। वैसे ये भी साफ़ थी, ये भी मैंने लास्ट मंथ की थी और इनका तो ये रहता है मेरा बस, वैसे तो छोटे बड़े सबका यही रहता है। और ये देखो, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये निश्चय ने कल मेरी वीडियो बना दी
बैठे बैठे मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ खाना खा रही थी, और इसके पापा ने अभी मुझे ये दिखाई है कि देख तेरे बेटे ने तेरी वीडियो बना दी। तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब मैं साथ साथ अपने डिब्बे क्लीन करती ही रहती हूँ, जो भी खाली हो जाता है उसे साथ साथ करती रहती हूँ। डिब्बे तो कर लेती हूँ लेकिन ये जो स्टोरेज वाली बाल्टी होती है ना, वो डिब्बों का सामान मैं इसमें डाल देती हूँ साफ़ करते टाइम। तो ये मुझे साफ़ करे काफ़ी महीने हो गए थे, तो मुझे ये बड़ी गंदी लग रही थी। और वैसे भी आप देख रहे हो कि ये एकदम लाइट कलर की है, तो ये तो गंदी हो ही जाती है, बेबी पिंक जैसे कलर की है ये। तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है वो बस मैं चेक करके रख रही हूँ ऊपर। और मुझे लग रहा था कि पिछले साल के ना जवे बचे नहीं हुए हैं, लेकिन ये जवे मैंने देखे कि ये पिछले साल के मतलब बचे हुए हैं मेरे पास, और मैंने अभी नए वालों में से ही बनाने शुरू कर दिए। और मुझे लग रहा था पीछे वाले ख़त्म हो चुके हैं, और ये है, मैं चेक कर रही थी यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या वाइट वाइट। फिर मैंने इसको खोल के देखा था बाद में कि देखती हूँ है क्या। वैसे हाथ लगाने से पता चल गया था अरारोट था इसमें, तो फिर मैंने कहा चलो एक दिन टिक्की विक्की कुछ बना लेंगे। और यहाँ पे इन्होंने मांग लिया था दूध, तो बीच में हमारा यही होता है, बीच में कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है, तो ये ठंडा दूध दे के आ रही थी मैं इनको। और यहाँ पे ये डिब्बे ले आई हूँ, सारे के सारे मैंने रख दिए हैं सिंक में, और फिर मैं इनको मांझ लूँगी अच्छी तरह से। और डिब्बे के लिए मैंने लिक्विड वाला जेल नहीं यूज़ किया है, इनको मैं इसी तरह से मांझ लूँगी, जिससे मतलब अपना ये डेली वाले बर्तन जो मैं क्लीन करती हूँ, विम विम वाले ये साबुन जो होती है, इसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। बड़े वाले सारे क्लीन कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ये छोटे वाले डिब्बे साफ़ कर लूँगी। और छोटे वाले ये वाइट कलर के हैं ना, इनका तो पता ही नहीं चलता सच में, साफ़ करने के बाद भी मुझे इन पे दाग दाग से दिखाई दे रहे थे। और मतलब मैं जब तक तसल्ली से कोई काम ना कर लूँ ना शुरू करने के बाद, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। और इनके जो ये डिज़ाइनिंग होती है ना, इनके अंदर भी भर जाता है, पता नहीं कूड़ा इतना होता है गंदगी। और ये जो ये रसगुल्ले का डिब्बा आया था, इसमें मैं ग्लूकोज मैंने खाली करके रख रखा था, तो वो भी मैंने दूसरे डिब्बे में सेपरेट कर दिया था। और यहाँ पे ये तेल वाला डिब्बा था, तो मैं सोच रही हूँ कि तेल को प्लास्टिक वाली बोतल मतलब हटा दूँ किचन से, और ये लोहे का टीन सा मतलब टीन टाइप का ये डिब्बा है, ये भी शायद घी का है, ये रसगुल्ले का नहीं है, तो इसमें मैं आज के बाद मतलब ये तेल डालना शुरू कर दूँगी, तेल रखना शुरू कर दूँगी। और इनको साफ़ करते टाइम बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर ना लोहा बाहर निकला होता है और वो एकदम से बहुत पैना होता है, और वो एकदम से हाथ चीर जाता है मतलब बिल्कुल। और यहाँ मैं ये ले आई हूँ अपना टब, और ये टब आपने देखा होगा मैं कभी कपड़े धोते टाइम यूज़ नहीं करती, ये सिर्फ मेरा किचन के काम करने के लिए ही है स्पेशली। चाहे आप ये लगाओ कि इसमें गेहूँ धोने का काम हो, या फिर ये डिब्बे विब्बे धोने का काम हो, या मुझे कभी बाहर बैठ के बर्तन साफ़ करने का मन हो वो काम हो, तो बस यही काम होते हैं इसमें। या फिर वेडनेसडे को जब मेरा पानी आता है तो वो एक्स्ट्रा पानी इसमें भर लिया जाता है, कपड़ों के लिए एक अलग से हमने लिया हुआ है। और यहाँ पे बस ये सारे डिब्बे मेरे धुल चुके हैं, और इसके बाद मैं ये वाली बाल्टी भी यहाँ ले आई थी जो जिसमें मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। और फिर इस मैंने बाल्टी को भी अच्छी तरह से यहाँ पे धो लिया था, धो मांझ के मतलब इसको भी रख लिया था। और फिर मैं इनको बाहर रखाई थी, और बाहर रख के आने के बाद मुझे लगा कि इसमें पानी निकलेगा कैसे, सारा पानी नीचे इकट्ठा हो जाएगा और डिब्बे सूख नहीं पाएंगे। फिर मैंने बाहर जब इनको रखा, तो उसके बाद मेरे पास एक एक्स्ट्रा टोकरा है उसमें मैंने इनको लगा दिया था, और फिर ये अच्छी तरह से सूख गए थे जब सफाई वगैरह करने के बाद, तो मैं इनको अंदर ले आई थी। और अभी तक भी इनमें सामान नहीं डला है, क्योंकि अभी तक सामान आया ही नहीं है, और पुराने वाले को मैंने छेड़ा ही नहीं है कि चलो सब एक साथ ही देखूंगी, जो फेंकने वाला होगा। कुछ ऐसा हो जाता है कई बार सामान, तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगी अलग से। और यहाँ पे ये आ चुकी हूँ अब मैं बीच वाले स्लैब पे, तो वो ऊपर वाली थी। और यहाँ पे ये तो वैसे डेली टाइल्स वाइल्स तो मेरी होती ही रहती हैं, डेली नहीं तो 2-3 दिन में तो होती ही रहती हैं, बस यहाँ पे भी मैंने उसी तरह से सफाई कर ली है। और इसके बाद ये जो जंगले में जो सामान रखा है इसको मैंने खाली कर लिया है। जंगले में मैं अपना छोटा मोटा ये सामान रखती हूँ, जैसे चाकू रख देती हूँ, लाइटर रख देती हूँ, छोटा वाला जो घिया कस होता है, अदरक कसने वाला छोटा सा वो रख देती हूँ, और ये चम्मच वाली जो मेरी एक्स्ट्रा उसमें नहीं आते हैं बर्तन वाली स्टैंड में जो चम्मचे, वो रख देती हूँ। मुझे लगता है कि चलो मेरे अलावा अगर कोई और भी किचन में आए तो तुरंत से ये चीज़ें तो कम से कम मिल ही जाए,
तो बर्तन तो देखो सामने लगे ही होते हैं, वो तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कई बार चाकू वाकू ढूंढने में दिक्कत होती है, तो इसलिए यहाँ इस साइड में मैं इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैब पे भी ये कपड़ा मार लिया था, पोछा मार लिया था, पहले साबुन से हेलो साफ़ कर दिया एवरीवन, था। वेलकम बैक। तो अभी बज गए हैं रात के 8। वो स्लैब वगैरह जो मैं साफ़ कर रही थी, उसको साफ़ करने के बाद ना फिर बस मैं इतना ही कर पाई थी, ऊपर वाली और जो अपने स्लैब होती है टॉप पे जो जिसपे खाना वाना बनता है, मतलब वो मैं साफ़ कर पाई थी। फिर उसके बाद ना डीपली क्लीनिंग देखो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली पे करूँगी मैं डीपली क्लीनिंग, अभी इतना टाइम था नहीं मेरे पास। बस ये क्लीनिंग मैंने इसलिए कर ली थी कि चलो श्राद्ध अपने शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा कहीं ये होता कि जूठे वूठे हाथ लग जाएं किसी डब्बे पे, मेरे ना लगे। ये निश्चय है ना, निश्चय बड़ा शरारती है, कभी बोलेगा इसमें दिखाओ क्या है, कभी बोलेगा उसमें दिखाओ क्या है, तो फिर ऐसे लग जाते हैं। मुझे ये भी कन्फर्म करना था कि क्या सामान है और क्या नहीं है, तो परसों से श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं। या बस ऐसे ही मन कर गया बैठे बैठे कि चलो भाई किचन को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो ऊपर के तो दोनों हो चुके थे, 8:10 पे रात को। अभी मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि आज है वेडनेसडे, तो कल मैं कपड़े धोऊंगी नहीं थर्सडे को, इसलिए मुझे लगा चलो भाई अब रात को ही धो लेती हूँ। बाकी सारे काम तो निपटा दिए खाने वाने का, ये चले गए अपनी ड्यूटी, और अब मैं कर लेती हूँ नीचे वाले की सफाई, क्योंकि वहाँ पे है ना एक चुहियाँ बड़ी घूम रही है बड़े दिन से, तो मुझे ये देखना है कि वो कहाँ रास्ता बना रही है और किस चीज़ में वो घुस रही है, मतलब कहाँ जा जा के वो बैठ रही है, मुझे देखना पड़ेगा। मेरे को तो बड़ा डर लगता है इनसे, चुहियाँ वुइयाँ से। डर तो क्या, मतलब यार ये गिलगिली गिलगिली से होते हैं ना, मतलब अजीब सा लगता है। तो चलो अब भाई बातें कम करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे की सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो वो 15-1 मिनट का काम होगा शायद। यहाँ पे ये एक साइड का सामान पहले मैं हटा लूँगी, इस वाली साइड में मैं रखती हूँ अपने ये आटे वाली बाल्टी जो मैंने दूसरी साइड में अभी उठा के रख दी है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुंडी सोटा, और इसके नीचे रखी है सिल वाली जो बट्टा होता है सिल का वो, और ये मैं पहले इसके ऊपर के मैंने जाले झाड़ लिए हैं, क्योंकि जाले तो हो ही जाते हैं घर में अपने आप ही, और 10-15 दिन में मतलब झाड़ने पड़ते ही हैं। और फिर मैंने यहाँ से झाड़ू लगा लिया और फिर वापस से सामान उधर ही कर दिया है, ताकि मैं दूसरी साइड से भी अच्छे से सफाई कर पाऊँ। और यहाँ तो ये पटरा रखा हुआ है, तो इसके नीचे तो अच्छे से सफाई हो ही जाती है मेरी, यहाँ से मतलब पटरा हटा के करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो बस इसके पीछे पीछे से मैंने कर लिया है। और चूहियाँ इतनी शैतान है कि जो किचन का जो कूड़ा होता है ना खाने पीने वाला, वो भी वो इस पटरे के पीछे से निकला, अनार मतलब छिलका अनार का। और यहाँ पे ये मेरी पीने वाली बाल्टी है, ये बीच में हैंड वॉश करके मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को कभी झाड़ू के हाथ नहीं लगाए जाते। और फिर मैं ले आई हूँ ये पोचा, पहले मैं एक साइड से साफ़ कर दूँगी पोचे से, और फिर यहाँ पे ये वो जो मैं आपको बता रही थी ये टोकरा मैंने रख दिया है, और ये डिब्बे मेरे ऑलमोस्ट सूख ही चुके हैं, और ये मुड्डे का निकल गया था ये पैर, पैर नहीं ये रबड़ सा मतलब, और फिर ये रख दिया है मैंने, और ये स्टोरेज वाला बॉक्स रख दिया है इसके ऊपर। और यहाँ पे ये सबसे मेन काम था कि जहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था हटाते हुए, कि यहाँ भाई पूरे किचन में मुझे चूहियाँ चोहा कुछ नहीं मिला, छिपकली विपकली कहीं यहीं ना दुबक के बैठी हो, तो सिलेंडर उठा के रख दिया है मैंने। और फिर मैं यहाँ से सफाई कर रही हूँ, और यहाँ मुझे बर्तन पे झाड़ू लगानी पड़ रही है। वैसे तो जब भी मैं ये यूज़ करती हूँ, इसमें मेरा बड़ा कुकर है तो ऐसे मतलब मांझ के ही यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता बर्तन पे झाड़ू लगाना, लेकिन भाई जान बड़ी प्यारी है, चूहिया से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे लगाना पड़ा। और अब मैंने कुकर को ऐसे खड़ा कर दिया है, और फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगाने के बाद ये सिलेंडर भी लगा दिया है, और अब मैं ये पानी की जो बाल्टी थी इसको उसकी जगह पे ही रख दूँगी, और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से अब मैं सफाई कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू और पोछा लगा दिया था। तो आपको मेरी किचन क्लीनिंग अगर अच्छी लगी हो, बिल्कुल डीपली तो नहीं की है लेकिन फिर भी मैंने कर दी है जितना मेरे पास टाइम था, तो चलो यहीं से कर देती हूँ आज की वीडियो को एंड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर किए बिना कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। वीडियो को शेयर कर दिया करो, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है।